हम प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपको नई टिप्स देने आई इंडिया चैनल पर। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का कक्षा 10th का छात्र हूं और शीघ्र ही आ रहा हूं आई इंडिया न्यूज चैनल पर। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का क्लास 10th का छात्र हूं। मैं आई इंडिया न्यूज चैनल पर जल्द ही आ रहा हूं आपके लिए नए नए टिप्स लेकर। देखना ना भूले आई इंडिया न्यूज चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का 10th का छात्र हूँ। मैं जल्द आ रहा हूँ आई इंडिया न्यूज चैनल पर नए नए टिप्स लेकर। तो देखना ना भूले आई इंडिया न्यूज चैनल। यह कैसी सरकार आई कमर तोड़ महंगाई लाई। यह जुमाला इन दिनों तकरीबन हर शख्स की जुबान पर है और हो भी क्यों ना। दाल आटा तेल से लेकर अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित रसोई गैस डीजल पेट्रोल बीज कीटनाशक दवाएं रिफाइन की अन्य जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पहले तो कोरोना काल के लॉकडाउन ने कमर तोड़ी और अब उन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में लगातार हो रही वृद्धि से उपभोक्ताओं की नींद उड़ गई है। सच्चाई तो यह है कि बेरोजगारी के दौर में ये महंगाई जले पर नमक छिड़क रही है। यकीन नहीं होता तो आप भी देखें और सुनें आई इंडिया की एक खास रिपोर्ट। वर्ष 2021 के नए बजट के चलते जो महंगाई का दौर चल रहा है, इस संबंध में जब आई इंडिया ने नगर के युवाओं से उनकी राय जाननी चाहिए तो उनका दर्द फूट पड़ा। यहाँ पर किसी ने तो इस सरकार के पक्ष में अपनी बात कही मगर किसी ने सरकार के विपक्ष में अपनी बात कही। युवा दानिश हाजी सिराज ने आई इंडिया से कहा कि डीजल पेट्रोल व रसोई गैस के भाव आसमान छू रहे हैं। महंगाई के क्या बताया जाए, पेट्रोल डीजल प्राइस सब बढ़ रहे हैं। अभी कोरोना काल का ये हुआ सब कुछ, इतना लॉकडाउन का अभी उस चीज से उभर नहीं पाया इंसान। उसके बाद इतनी महंगाई, गैस बढ़ रही है। नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास इंसान कैसे जिएगा, क्या वो अपनी कैसे जरूरतें पूरे करे, उसको कैसे मैनेज करना पड़ रहा है। ये सब इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और ये आज अभी तक तो कोरोना ने सब परेशान कर रखा था। लॉकडाउन की वजह से स्थिति इतनी ख़राब हुई, इकनॉमी इंडिया की इतनी गिरी, उसके बाद अब ये आ गया है बिल्कुल। अब महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस सब महंगा हो रहा है। नॉर्मली इंसान कैसे क्या चलाएगा अपनी फैमिली को, बजट हिल गया लोगों का, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है लोगों को, कैसे क्या किया जाएगा। विशाल गुप्ता ने आई इंडिया से कहा कि गरीबों के लिए महंगाई मालूम पड़ रही है। महंगाई का दौर देश में कोई विशेष दौर नहीं चल रहा है और जो गरीब तक के लोग हैं उनके लिए महंगाई मालूम दे रही है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके लिए कोई विशेष महंगाई नहीं है। बहुत से लोग हैं सरकार को खाली बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई है महंगाई है, महंगाई कहीं से कहीं, महंगाई कहीं नहीं। युवा किसान प्रभात वर्मा ने कहा कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। मैं तो कहानी तो ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा जा रहा है कि सारा सामान पे रेट बढ़ रहा है, वो हमारे बजट के बाहर होता जा रहा है, चाहे गैस हो चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं तो किसान हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है किसान खेती की लागत बढ़ती जा रही है। डीजल महंगा हुआ है तो सब कुछ तो महंगा है, चाहे जुताई ले लीजिए चाहे आप ले जाने के लिए लीजिए परिवहन ले लीजिए, सब कुछ तो महंगा है। आम आदमी की कमर टूटती जा रही है यहाँ से। अब इसमें तो यही है, अगर रेट कम नहीं हुआ या महंगाई कम नहीं हुई तो फिर तो दिक्कत है। आम आदमी तो इस कंडीशन में पहुँच जाएगा कि या तो वो फिर सुसाइड करेगा या तो परेशान होकर कुछ और देखेगा, बस यही हो सकता है। शिवम मिश्रा ने आई इंडिया से कहा कि गरीब वर्ग को तो दैनिक उपयोग की वस्तुएँ खरीदना मुश्किल हो रहा है। देश में जब से भाजपा की सरकार आई है दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जो आज की आम आदमी की सबसे जरूरत की वस्तुएं हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आप तो देख ही रहे हैं कि इन पर कितना दिन पर दिन रेट बढ़ता जा रहा है। आज डीजल का रेट जो है वो लगभग 82 से 83 रुपए के बीच में है और पेट्रोल भी 90 से 92 रुपए के बीच में ही है। और ये तो दैनिक उपयोग की वस्तुएँ हैं। अभी जैसे आप दाल को ले लीजिए, आज का जो दाल का भाव है वो मेरे हिसाब से अरहर की दाल का भाव लगभग सबसे अच्छी दाल का 115 रुपये प्रति किलो तक आ गया है। तेल भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, सरसों का तेल हो रिफाइंड तेल हो। और मुद्दे की बात तो ये है कि अगर हम कहें तो इस वक्त महंगाई की मार सबसे ज़्यादा जो झेल रहा है वो आम आदमी झेल। पीयूष श्रीवास्तव ने कहा कि बेरोजगारी के दौर में बढ़ती महंगाई से घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। महंगाई की समस्या जो है, अगर आज प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखी जाए तो हमारा देश पूरा विश्व कोरोना महामारी से गुजर चुका है और कई सारे लोग इससे जूझ भी रहे हैं, लेकिन इस महामारी में जो कई सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, उस बेरोजगारी के कारण जो सरकार ने महंगाई बढ़ाई है
युवा सपा नेता सोबित मिश्रा ने इंडिया से कहा कि जनता ने भाजपा सरकार को चुना था। इस सरकार में बेरोजगारी के चलते युवा गलत रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। सरकार में आज महंगाई चरम पर है। जनता ने जिन मंसूबों पे सरकार बनाई थी, यह सरकार पूरी तरीके से फेल है। रोजमर्रा की वस्तुएं आसमान छू रही हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, आज यह सरकार पूरी तरीके से फेल है। किसानों को उनकी फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यह सरकार पूरी तरीके से फेल है। आई इंडिया के लिए केसरीगंज से आकाश सिंह की रिपोर्ट। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा बहुत जल्द आ रहे हैं आपको टिप्स देने की कैसे आप बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तो देखना मत भूलिए आई इंडिया न्यूज चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा, मैं आ रही हूँ बहुत जल्द आपको कुछ टिप्स देने, देखना ना भूलिए आई इंडिया चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का इंटर का छात्र हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ आई इंडिया न्यूज चैनल पर परीक्षार्थियों को टिप्स देने, देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, आप देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज चैनल। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एसडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।